सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग, 8:30 बज गए हैं सुबह के एंड हम आज कारगिल लीव कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो इसने रूम की हालत क्या कर दी। यहाँ पे इसने कल गिराया था वो जूस, तो भाई उसे वो ना लगे कि साला मूत के जा रहे हैं। मतलब वॉशरूम कर दी इसने बिस्तर पे। तो भाई रूम काफ़ी सही है और प्राइस भी सही था, 900 रुपीज़ में मिल गया था, क्योंकि ऑफ सीज़न चल रहा है और ठंड आने वाली है बहुत तगड़ी, तो इसलिए हमें 900 रुपीज़ में मिल गया था रूम। बाकी चलते हैं आज लेह की तरफ। भाई सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है फैजान यहाँ पे कारगिल में? ये सामने जनरल स्टोर वाला, ये सामने भाई जनरल स्टोर है। तो भाई कहीं भी चले जाओ, इसकी दुकान जो है खुली रहती है और सारी यहाँ पे बंद हो जाती है इस मार्केट में। अगर आपको मतलब दुकानें जानी है रात में 10:30-11 बजे, तो आप जाना लाल चौक पे, वहाँ पे खुली रहती है दुकानें। होटल का नाम जो है अफजल है, यहीं पे रुकते हैं स्टूडेंट्स, कॉलेजेस, बच्चे वगैरह जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू चलना। तो अभी हमारा जो प्लान है वो है निम्मू विलेज जाने का, जो कि लेह से 30 और 35 किलोमीटर्स पहले है अप्रोक्सीमेटली। तो वहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद रुकेंगे हम लेह सिटी। चल। सो एक बार गाइस कारगिल को बाय बाय कर टाटा। देख रहे हैं, रुक जा, चूतिया आ गया साला, लापरवाह इंसान, हट आ ऊपर। यहाँ पे हेलमेट रख दिया था इसने, बहुत तो अच्छा, मैंने तो अपना पहन रखा था मुंह के अंदर ही, और गिर गया खुद हेलमेट। अब लेने गया नीचे, कांटे वाटे लगे हैं पीछे, टाके वाके आएंगे साड़े के। कैसा आएगा? गुड गुड वर्क, आर्मी ट्रेनिंग आ गया। सो फ्रेंड्स, हम 3 घंटे लगातार चले हैं, कुछ खाया भी नहीं था, एकदम निकल लिए थे रूम से। देन यहाँ से आई थिंक 1.5 आवर और बचा है, या 1.5 आवर बचा है, ये राइट उसके लिए, निम्मू के लिए, निम्मू विलेज के लिए। और यहाँ पे हम रुक रखे हैं, ये आपका होटल स्वास्तिका करके आएगा, तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है काफ़ी, तो आई होप इसका खाना भी अच्छा हो। अगर टेस्ट अच्छा हो तो मैं आपको बताऊंगा, वरना आप ट्राई करना अगर आप आते हो तो इस जगह पे। एक चीज़ है कि धूप आ रही है वो अच्छा है, बट ये कि ठंडी हवा चल रही है ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कप कप ही हो रही है, शिवर कर रहे हैं हम लोग। बग जाए यहाँ से साढ़ दौड़ मार के दिल्ली पहुँच, आधे में रह ले, लिमिट में रह ले। तो भाई ये है, यहाँ पे आप रुक भी सकते हो। तो भाई ये मेन्यू कार्ड है, मंगाया इसमें कुछ भी नहीं है, शांत रहे। ये मेन्यू कार्ड एक बार पढ़ लेना, देख लेना भाई जो जो है, मतलब बहुत सारी वैरायटी यार, एक कैफे के अनुसार जो रोड्स पे रहते हैं। हजम अच्छा ठीक है। तो भाई हमने यहाँ पे मंगाया, काफी अच्छा है, पराठे और ऑमलेट और ये चाय और बिस्किट हमने कर लिए थे 60-60 रुपए के। दिखा दियो क्यों को महंगे वाले बिस्किट लिए इस बार। 15 मिनट लगे। तो भाई यहाँ से निकलते हैं, अपना बिल जो है ये आया है 320 रुपीज़ का और सौफ मंगा ली थी, तो यहाँ से चलते हैं। 1.5 आवर्स लगेंगे हमें निम्मू विलेज पहुँचने में। चल। सो गाइस, सामने है ना लामायरू मॉनेस्ट्री है, जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत पुरानी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी रुकेंगे थोड़ा 10-15 मिनट। और उसके ठीक सामने मून एरिया है, जो कि जब फुल मून होता है तब वो शाइन करता है वो एरिया 11:30 के अराउंड, और जो पहाड़ है वो उतने शाइन नहीं करते, बट वो जो एरिया है वो शाइन करता है। तो ये है लामायरू मोनेस्ट्री, और अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर होटल है, आप यहाँ पर बैठ सकते हो। ये ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है एंड काफ़ी फेमस है, बिकॉज़ यहाँ पर एक मॉन्ग थे एंड ये पूरा जो था वो सी से भर रखा था पानी से, देन वो यहाँ पे आए एंड उन्होंने मेडिटेशन करा। जब उन्होंने मेडिटेशन करा देन ये जो सी का जो लेवल था वो मतलब कि
बैलेंस्ड हो गया, एंड जितने भी घर थे लोगों ने अपना घर बार बसाया यहाँ पे और यहाँ पे रहने लग गए। तो अंदर चलते हैं। आई थिंक जून जुलाई के टाइम जो है 300 मॉन्क्स आते हैं यहाँ पे प्रेयर करने के लिए। तो आपको मॉन्क्स वगैरह देखने हैं तो जून जुलाई का जो टाइम रहता है आप आ सकते हैं देखने के लिए। बाकी अंदर चलते हैं, 50 रुपीज़ की टिकट है और अंदर करियो। भाई ये देखो उसने चाबी गिरा दी अभी अभी, तेरी भैंस की आंख, हट जा हाला, चाबी गिरा, हट मत कर भैंस फटी। हेलो कैसे हो? फोटो तो ये बच्चे हेल्प कर रहे हैं मेरे को। अच्छा ऐसा है, ये है मोनेस्ट्री। तो इसका तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वैली थी एक मतलब लेक वाटर में थी सराउंडेड, बट एक मॉन्क आए थे। तो ये इनका घर है आप देख सकते हो, ये गली जा रही है। तो ये आपकी मोनेस्ट्री है, ये ऊपर चढ़ के है यहाँ पे। उधर देख देख रहे नहीं, वो तो मेरे को पता है। जैसे यहाँ पे मतलब जैसे लेक्स थे तो हाँ। फिर एक मॉन्क आए थे हाँ, वही। तो उन्होंने पूजा करी, मतलब मेडिटेशन करा था हाँ, हाँ। वही है। अच्छा तो इसे कितने साल हो गए? ये तो 11th century। 11th century? अच्छा तो यहीं पर ही लोग रहते हैं सारे? हाँ? यहीं पर ही सारे लोग रहते हैं। और जो मॉन्क्स जो आते हैं वो 300 वो मई जून जुलाई में आते हैं। हाँ वही जून जुलाई में मास का डांस है ना। हाँ 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 वो इस टाइम पर आएगा। अच्छा, अभी तो 20 या 30 पे। अच्छा 20-30। हाँ दे दिवाली। अच्छा दिवाली है। तो राइट नाउ हम सस्पॉल पहुँच गए हैं एंड यहाँ से हमें लगेगा 30 मिनट्स मोर। यहाँ पे हमने थोड़ी देर ब्रेक लिया है 10 मिनट्स का। तो बाकी चलते हैं और निम्मू पहुंच के आपको वहां का गांव वगैरह दिखाते हैं, कैसे लोग हैं, क्या कल्चर है। मार लेते हैं या जो भी लेबर यहां पे रहने का और जो है कि और काम करना चाहे जो भी, तो उनका उसी काम को जो कंटिन्यू कर देते हैं अगर वहां पे काम अगर है तो। Like dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with. तो भाई निमो विलेज पहुंच गए हैं और यहाँ पे सुप शॉप है। भैया आइसक्रीम होगी? आइसक्रीम हटियो। तो भाई आपका वो है निमो विलेज, यहाँ पे लोग वोग रहता है। अभी तो यहाँ पे है नहीं कुछ क्योंकि ठंड का माहौल है, तो सब कुछ क्लोज कर दिया उन्होंने रहने के लिए। चल चाबी गिरा ली, चल चल संगम की तरफ जा रहे हैं हम क्योंकि वहाँ पे निम्मू में अभी कुछ है नहीं। बाकी आप वहाँ पे आप नदी के सामने बैठेंगे, हम शांति लेंगे, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। बाइकर्स जा रहे हैं आगे, आपको दिखाता हूँ बाइकर्स से बात करूँगा, उनका मूड हुआ मेरे से बात करने का। तो संगम संगम जाने का, वहाँ नदी के पास कैसे जाऊँ मैं ये बताओ, उधर मेरे को मुंह धोना है। बताया आपको? नहीं बता, सोच लो पहले, अब मैं कल आता हूँ पूछने। चल नीचे चल, छोड़ क्यों दिया साले हेलमेट वगैरह बाइक? अरे हमारी थोड़ी है। अच्छा तेरी। तो हम जा रहे हैं पैदल नीचे क्योंकि इन्हें रास्ता नहीं पता। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया, वो सोच में पड़ गया था कि कहाँ से बताऊँ उन्हें। चल फिर यहीं से चलते हैं। भाई इतनी मेहनत से आए थे नीचे, ये तो रुका हुआ पानी है साइड वाला, ये चल रहा है। अबे वो वाला पानी तो साफ है पूरा जो चल रहा है उस तरफ, दूसरी तरफ। तो ये है संगम, ये संगम तो प्यार का संगम है जन्मों का। अरे टाइम पास मत कर, दूसरे वाले पे कैसे जाएंगे, वो भी गंदा थोड़ा गंदा लग रहा है पानी वाइल्ड राइट। तो निमो विलेज जो है वो सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट लेह लद्दाख में। डिस्ट्रिक्ट कोड जो है इसका 003 है। टोटल जो हाउस होल्ड्स हैं वो 193 हैं अप्रॉक्सीमेटली, एंड टोटल पॉपुलेशन 1134 अगर आप बढ़ गई हो तो ये जाने।
बाकी ये जगह जो है ये 35 किलोमीटर दूर है लेह से। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे बैठना चाहते हो, कोई भी नहीं है, मैं और यही है बस, तो आप देख सकते हो पूरी शांत जगह है एकदम। यहाँ पे आप नहा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे पानी में जाके, ठंडा पानी हो रखा है तो नहा नहीं रहे क्योंकि बीमार ना हो जाए। वो तो नंगा बैठ रखा है, नो नंगा आदमी है, ये साले नंगा आदमी है तो नंगा बैठ रखा है, आप देख भी सकते हो उसे। फैजान, तो भाई अभी कैसी ना इसकी भैंस फटी। तो भाई फाइनली लेह आ गए हैं, और लेह में हमने है ना बैग दे दिए थे अपने दो, मतलब रखने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा हुआ हमारे साथ, वरना हमें ट्रैवल मतलब बाइक में पकड़ना पड़ता तो काफ़ी अनकंफर्टेबल रहता। एंड हमने एक आंटी से बोल दिया था कि हम आपसे रूम लेंगे तो आप एक रूम रिज़र्व रखना, बट आंटी ने आज प्लम्बर बुला के सारे नलके वलके बंद करा दिए, क्योंकि यहाँ जब ठंडी हो जाती है तो रूम्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, बिकॉज टूरिस्ट आते नहीं हैं एंड यहाँ पर रूम्स वो बंद कर देते हैं, तो इसलिए आंटी ने वादा तोड़ दिया। अब हम जा रहे हैं रूम देखने, ये आपका लह मेन मार्केट है। उफ, तो भाई मैंने तिब्बत मार्केट का पूरा व्लॉग बनाया 10 मिनट का, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग है, जिसने नहीं देखा देख लेना। तो ये आपका वैसे मेन मार्केट है एंड यहाँ पे आपको कपड़े मिल जाएंगे, सॉक्स वगैरह आइटम्स ये सब मिलेगा, स्कार्फ वगैरह। तो देखते हैं यहाँ पे रूम मिलता है तो। एंड गाइज, आपको अगर ATM वगैरह चाहिए तो ATM यहाँ पे मिल जाएगा, ATM है यहाँ पे 5-6 ATM, ICICI, HDFC मेरा बैंक है, 250, सिर्फ 250 रुपये में, सिर्फ 250। तो यही है भाई आपके इन्फ्लुएंसर्स, आपको दिखाते हैं 1.5-1.5 लाख के, और यहाँ पे 250 रुपये के चश्मे लेते हैं। भाई अंकल भी बोल रहे हैं, अंकल आप भी सही कह, बात है ना 250। तो यहाँ पे देखो स्ट्रीट में आप मतलब बैठ के सब्जियाँ वब्जियाँ बेचते हैं मेन मार्केट में, और ये रूम वहाँ से बिना चश्मा लिए आएगा, ये मेरी इतनी गारंटी है। चल आजा, लाफिंग खाने जा रहे हैं आज यहाँ पे, हम दिल्ली में भी खाए थे लाफिंग जो कि तिब्बत मार्केट में है, तो देखते हैं लाफिंग का टेस्ट कैसे है यहाँ पे। गाइस आओ आ जाओ। तो भाई लाफिंग खा रहे हैं, और लाफिंग यहाँ पे ये डिफरेंस है, तो भाई इसमें यही फ़र्क है कि इसमें सोयाबीन है, और दिल्ली वाले जो है सोयाबीन नहीं डालते। हाँ सही में सोयाबीन नहीं डालते, उल्लू बनाते हैं सोयाबीन की, सोयाबीन डाला है बट वो सोयाबीन नहीं होता, वो होता है स्टार्च जो बच जाता है। तो यहाँ पे ये है कि ये अच्छी चीज़ है कि इसमें सोयाबीन है, बाकी ये मैदे से बनता है, बाहर की जो फिलिंग है। दुकान खा लिया तूने, इसने मना करा था खाने के लिए तेरी ही भैंस की। तो भाई एक लाफिंग तो मैंने खा लिया था, और दूसरा मैं पैक करा रहा हूँ, क्यों आंटी पे ख़त्म हो गया तो मैं दूसरी दुकान आया हूँ पैक करवाने के लिए। इसमें ये सोयाबीन डालेगा क्या? ग्लूटेन। तो भाई फाइनली एक अपने को द बोहेमियन मिला है, लेह हॉस्टल, ये एक हॉस्टल है, और हमें बताया था खाडर वाले ने, उनका ये जानने वाला है, तो उसने कहा था यहाँ पे चले जाओ मिल जाएगा। पूछते हैं एक बार क्या सीन है, क्या क्या है, पूछियो जी है क्या। तो भाई अभी रूम्स लिए हैं, मतलब डॉर्म रूम लिए हैं, जिसमें कि 6 बेड्स हैं, और कितने का पड़ा, 600 अराउंड लेने चल रहा है। तो गाइज ये रूम हमें मिला है 1118 का, दो बंदों का, इसको मिला है 3, मेरे को मिला है 5। एंड रूम जो है काफ़ी क्लीन है, एंड ऐसा कोई नहीं है कि जैसे बदबू रहती है ना, लोग रहते हैं तो उनकी मतलब बदबू रह जाती है, ऐसा कोई सीन नहीं है, साफ़ है रूम जो है। और अगर आप सिंगल रूम लोगे तो आई थिंक 2000 या 2500 का मिलेगा सिंगल रूम। तो भाई लेह मार्केट वापस आ गए हैं, यहाँ पे हम खाएंगे अब चिकन राइस, जहाँ पे हमने 2 दिन पहले खाया था, क्या नाम था, वासवान प्लैनेट करके, तो वहीं पे खाएंगे अभी चिकन राइस। बाकी जल्दी खा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट्स जो हैं वो जल्दी बंद हो जाते हैं 8:30-9 o'clock तक, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है काफ़ी। और रात में मैं पीऊँगा कॉफ़ी, जो कि मेरी फेवरेट है, मैं आपको शॉप दिखाऊँगा दोबारा, वो काफ़ी अच्छी कॉफ़ी देते हैं। अच्छा चंडीगढ़ से वो रूट अच्छा रहा, और कवरेज अच्छा रहा, ट्रेन से जाओ फिर एक दिन कॉल किया शिमला में, वहाँ से रिकॉम पियो। अच्छा हम पियो 12 घंटे रिकॉम पियो करके। Oh, oh, oh.
ஸ்டார் தெலுங்கு மேல போகாதோ மூ மூ தோ பனி ஏ